अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ओवेरियन कैंसर हम लोग कर रहे थे और उसमें बस हमने थोड़ा सा इसको इतना सा डिस्कस करा है कि आपके एमसीक्यू इसमें कवर हो जाए। ठीक है, आई टोल्ड यू कि ओवेरियन कैंसर में मेनली आता है आपका एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर, जो उसको आपने डिटेल में करना है। इसमें से मैं आपको सिर्फ एमसीक्यूज बताऊंगी कि सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल और जेम सेल ट्यूमर में से आपने क्या बातें याद रखनी है, उसके अलावा बाकी आप बेशक ना भी याद रखें तो काफी अच्छा गुजारा हो जाता है। तो जैसे आपने बताया कि सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल ट्यूमर आपके जो सपोर्टिंग सेल्स है उस तरह के सेल्स अगर एक्सप्रेस होते हैं और वो बन जाते हैं कैंसर के अंदर तो उसको सेक्स कॉर्ड स्ट्रोमल कहते हैं, जिसमें जो फीमेल के सपोर्टिंग सेल्स अगर ग्रेनुलोसाथीका सेल्स हैं जो उस साइड के गिर्द होते हैं नॉर्मल हालात में, और अगर वो ट्यूमर बना देंगे या वैसा ट्यूमर बन जाएगा तो उसको ग्रेनुलोसाथीका सेल ट्यूमर कहेंगे। और मेल्स वाले जो होते हैं वो सर्टिलाई एंड लेडिक सेल्स होते हैं जो आपके एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं। तो फीमेल्स के अंदर ये दोनों चीजें ओवरी के अंदर बन सकती है, सर्टिलाई लेडिक सेल्स भी बन सकते हैं एंड ग्रेनुलोसाथीका सेल्स भी बन सकते हैं। अब आपके जहन में अगर आता है सर्टिलाई लेडिक सेल्स कहां से आ सकते हैं, तो आपको पता है कि प्रिमिटिव ओरिजिनेट जहां पर सब कुछ हो रहा था वहां पर मेल और फीमेल दोनों डक्ट्स पड़ी हुई थी जिनमें से ये सारी चीजें बननी थी। तो जाहिर सी बात है कि जो स्ट्रक्चर्स बन रहे होते हैं उसमें अगर आपकी म्यूटेशन आती है, क्योंकि ज्यादातर कैंसर हेरिडिटरी नेचर के होते हैं, तो वो आपके फीमेल्स के अंदर भी सर्टिलाई लेडिक सेल्स बना सकते हैं, सर्टिलाई लेडिक सेल ट्यूमर बन सकते हैं। अब नाम से पता चले कि ग्रेनुलोसा और थीका सेल्स का मेन काम क्या था कि ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बना रहे थे, और ज्यादा काम मतलब मेन काम अगर किया जाए तो इस्ट्रोजन ज्यादा अमाउंट में ये बनाते थे। उसके बाद आपको पता है कि प्रोजेस्टेरोन का तो असल लेवल तब आता है ना जब ओवुलेशन हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। तो इस वजह से जब आपका ग्रेनुलोसाथीका सेल ट्यूमर होता है तो ये मेनली ईस्ट्रोजन रिलीजिंग होता है, और इसमें आपको समझ लें कि एक्सेसिव ईस्ट्रोजन के जो फीचर्स होते हैं ना फीमेल के वो आने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका इस किस्म की प्रेजेंटेशन होती है कि आप समझ लें ज्यादा जल्दी ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी हो जाएगी, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो जाएगी, एंडोमेट्रियल कैंसर का रिस्क बढ़ जाएगा, जो ईस्ट्रोजन के एक्सेस की वजह से होते हैं। और जो सर्टिलाई लेडिक सेल्स है ये तो एंड्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर्स हैं, तो इसमें आपका एंड्रोजेनिक जो फीचर्स है ना फीमेल में आएंगे कि उसकी आवाज भारी हो जाएगी, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, हर्सिटिज्म है, हेयर अपेयरिंग एट द एबनॉर्मल प्लेसेस, और उसके अलावा बिल्कुल एमेनोरिया हो जाएगा, हाइपरटेंशन, क्योंकि जाहिर सी बात है ईस्ट्रोजन कम है एंड्रोजन ज्यादा, तो एमेनोरिया, तो इसके सबके फीचर्स के साथ प्रेजेंट करती है। तो आपने याद रखना कि ईस्ट्रोजन एक्सेस कर देते हैं, एंड्रोजन एक्सेस कर देते हैं। अब उसके बाद आपने जो इनकी ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि कैंसर है तो आपने इसकी स्टेजिंग करनी होती है, यंग फीमेल है फर्टिलिटी प्रिजर्व करना चाहती है, तो वही बात है यूनिलैटरल कर देंगे आप, यूनिलैटरल यूट्रस रिमूव करेंगे, ट्यूब्स रिमूव करेंगे, ओवरी रिमूव करेंगे, तो वही बात है यूनिलैटरल सेल्पिन जो ओफरेक्टमी एंड हिस्टेरेक्टमी, और हिस्टेरेक्टमी फिर नहीं आप करते बल्कि ये यूनिलैटरल सेल्पिन जो ओफरेक्टमी कर देते हैं और स्टेजिंग कर देते हैं कैंसर की क्या स्टेज है। और अगर आपका कोई ऐसी फीमेल है जिसकी फैमिली कंप्लीट है तो फिर आपने बायलैटरली सब कुछ रिमूव करना होता है और पूरा यूट्रस भी रिमूव करना होता है, सर्जरी इज द मेन स्टे, कीमोथेरेपी को इतनी खास इफेक्टिव नहीं होती इनमें, ये वाली बात जो है इसके एमसीक्यू में आती है याद रखनी। जर्म सेल ट्यूमर्स आपके वो ट्यूमर्स जो उस सेल से अराइज करें विच आर मल्टीपोटेंट जो कुछ भी बना सकते हैं, तो इस वजह से ये वाले जो ट्यूमर्स है इसकी डिफरेंट जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहली जो टाइप है दैट इज डिसजर्मिनोमा। डिसजर्मिनोमा आपके 50% जर्म सेल ट्यूमर कॉन्स्टिट्यूट करती है, मतलब ये सबसे कॉमन टाइप है। और आपने यही याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट चीज की एमसीक्यू में इसमें से आता है कि कौन सा ट्यूमर मार्कर हम इसमें कौन सा करेंगे, तो ये ओकेजनली आपका बीटा एचसीजी काफी ज्यादा सिक्रीट करती है। तो जब हम बीटा एचसीजी ट्यूमर मार्कर की बात करते हैं तो अब हम डिसजर्मिनोमा को सस्पेक्ट कर रहे होते हैं उसके लिए कराते हैं थोड़े अमाउंट में। ये जो कोरियोकार्सिनोमा है ये भी आपका एचसीजी ही सिक्रीट कर होता है, थोड़ा तो नहीं बल्कि अच्छा खासा करते हैं, क्योंकि कोरियोकार्सिनोमा इज समथिंग जो कि आपका बेसिकली कोरियोनिक विल्ला से रिजेंबल कर रहा होता है। कोरियोकार्सिनोमा अराइज ही हुआ है प्लेसेंटा से, कोरियोकार्सिनोमा, ठीक है, कोरियोनिक विल्ला बनते हैं प्लेसेंटा में और उनका काम क्या होता है कि वो एचसीजी सिक्रीट करते हैं, इस वजह से कोरियोकार्सिनोमा एचसीजी से ही आप मॉनिटर करते हैं। और इसका नाम इसीलिए लिखा हुआ है, देखिए, नॉन गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, क्योंकि कोरियोकार्सिनोमा एक गेस्टेशनल भी होता है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप होता है, कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल्ला में मसला होता है ना वो होता है गेस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। नॉन गेस्टेशनल का मतलब है कि ओवरी के अंदर उस तरह के सेल्स बन गए जो कोरियोकार्सिनोमा से रिजेंबल करते हैं, नॉन गेस्टेशनल है। अच्छा, बहरहाल डिसजर्मिनोमा के बारे में सीधा याद रखना कि एचसीजी से मॉनिटर करते हैं। तो यूक सैक ट्यूमर है, याद रखना कि ये बहुत छोटी एज में प्रेजेंट करते हैं, 3 ईयर्स और छोटे बच्चों की एज में यूक सैक ट्यूमर की एज है, ये याद रखेंगे। और इसमें जो आपने असेस करना है वो अल्फा फीटो प्रोटीन है जो ये रिलीज करेगा, ये एमसीक्यू आते हैं, इस वजह से आपने इनको ना बस ऐसे याद कर लेना है ताकि आपके गलत ना हो। 3 ईयर्स और बहुत छोटी उम्र की एज में, तो ये बुक में शायद बातें लिखी भी आपकी पैथोलॉजी में भी उन्होंने बताई भी थी, आता होता है एमसीक्यू। फिर इमेच्योर टेराटोमास, नाम से पता चल रहा है कि वो सेल जो कुछ भी बना सकते, तो ये सेल अभी ऐसा होता है कि इमेच्योर इसीलिए लिखा हुआ है कि इनके अंदर कोई भी मेच्योर सेल नहीं मिलेगा,
प्रिमिटिव इसके साथ आपने लव्स लगाना है, आपको कहेगा ना इसके अंदर क्या मिलेगा, प्रिमिटिव हेयर नेल, प्रिमिटिव टिश्यूज, प्रिमिटिव मसल, प्रिमिटिव कार्टिलेज, तो आपका एमसीक्यू आता होता है जिसमें आपको टेराटोमा की तरफ डायग्नोसिस बता देते हैं और आपसे कहते हैं कि टेराटोमा में सिटोलॉजिकली इमेच्योर टेराटोमा में क्या मिलता है, तो उसमें वो पहली ऑप्शन देते हैं कि मसल, हेयर, कार्टिलेज एंड बोन। अब डेफिनेटली के इसमें इमेच्योरिटी है तो आपको पूरे बने हुए मसल, हेयर, कार्टिलेज वो नहीं मिलते, प्रिमिटिव मिलते हैं, तो प्लीज डू पे अटेंशन, ये भी एमसीक्यू में आपको खराब ही कर देते होते हैं। तो इमेच्योर टेराटोमा भी 1/3 जो है वो अल्फा फीटोप्रोटीन ही सिक्रीट करते हैं, तो इनके लेवल्स को भी हम उसी से मॉनिटर करते हैं, ठीक है, अल्फा फीटोप्रोटीन से। अच्छा जी, ये इधर भी एएफपी आ गया, अल्फा फीटोप्रोटीन। उसके बाद एक रह गया था हमारा जो ग्रैनुलोसा थीका सेल ट्यूमर है ना, ये सिक्रीट करते हैं इनहिबिन हार्मोन, इनहिबिन से इसको हम लेवल करते हैं, ठीक है। इनहिबिन भी आपका एक सपोर्टिव हार्मोन होता है ड्यूरिंग दिस ऑल, ये सिक्रीट करते हैं, इसकी इसका एमसीक्यू आता है। अच्छा, फिर वही बात है, जब इनकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे जर्म सेल की, तो सेम वही है, सर्जरी एंड कीमोथेरेपी, और सर्जरी भी सेम उसी तरह से, फर्टिलिटी प्रिजर्विंग है, फर्टिलिटी नॉट प्रिजर्व करनी है, और उसके जब भी पिछला जिस तरह मैंने सारा बताया है, और आपका फिर कीमोथेरेपी आ जाती है, और देन दैट्स इट, मतलब इसमें और कोई बात नहीं इम्पोर्टेंट। तो किसी को भी मसला हुआ तो यू कैन आस्क मी, थैंक यू।